भगवान परशुराम विष्णु के ऐसे अवतार थे जिन्होंने जन्म लेने के पश्चात भगवान विष्णु के बाद वाले अवतारों के समय भी अपना योगदान दिया। परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार थे जबकि श्रीकृष्ण आठवें, किंतु उस समय भी भगवान परशुराम ने अपना योगदान दिया। आप त्रेता युग में माता सीता के स्वयंवर में भगवान परशुराम की भूमिका तो जानते ही होंगे, लेकिन उससे भी बड़ी भूमिका उन्होंने महाभारत के युद्ध के समय निभाई थी। महाभारत के युद्ध में उनके तीन ऐसे महान शिष्य थे जिनकी उस भीषण युद्ध में निर्णायक भूमिका रही। आप इसका अनुमान केवल इसी बात से लगा सकते हैं कि 18 दिनों तक चले महाभारत के युद्ध में 17 दिनों तक कौरवों की सेना का संचालन भगवान परशुराम के शिष्यों द्वारा ही किया गया था और स्वयं भगवान श्री कृष्ण को तीनों को निहत्था करवा कर मरवाना पड़ा था। आज हम भगवान परशुराम के महाभारत काल में योगदान तथा उनके शिष्यों के बारे में जानेंगे। महाभारत काल में भगवान परशुराम के तीन महान शिष्य हुए जिन्हें उन्होंने स्वयं अस्त्र शस्त्र की विद्या दी। भीष्म पितामह, महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह को कौन नहीं जानता। उनके पराक्रम के कारण संपूर्ण पांडव सेना दहल उठी थी। स्वयं भगवान श्री कृष्ण को उनका वध करवाने के लिए शिखंडी का सहारा लेना पड़ा था। भीष्म इतने ज्यादा पराक्रमी थे कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर अस्त्र उठाने पर विवश कर दिया था। श्री कृष्ण के कहने पर पांडव भीष्म के सामने हाथ जोड़कर उनसे उनकी मृत्यु का उपाय पूछते हैं। भीष्म कुछ देर सोचने पर उपाय बता देते हैं। फिर पांडव पक्ष युद्ध क्षेत्र में भीष्म के सामने शिखंडी को युद्ध करने के लिए लगा देते हैं। युद्ध क्षेत्र में शिखंडी को अपने सामने डटा देखकर भीष्म अपने अस्त्र शस्त्र त्याग देते हैं और निहत्थे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि भीष्म की प्रतिज्ञा थी कि वे किसी स्त्री से युद्ध नहीं लड़ेंगे। भीष्म के सामने अपने रथ पर खड़े शिखंडी ने लगातार भीष्म पर तीरों से वार किया, लेकिन भीष्म के कवच से तीर टकराकर गिर जाते थे। शिखंडी के तीरों में इतनी शक्ति नहीं थी कि वे भीष्म की छाती को छेद पाते। तब अर्जुन भी पीछे से भीष्म पर वार करने लगे। अर्जुन और शिखंडी के तीरों के रंग एक थे, इस कारण भीष्म अर्जुन के तीरों को पहचान नहीं पाए। इस तरह शिखंडी की आड़ में अर्जुन के तीरों से भीष्म का शरीर छलनी हो जाता है। चूंकि परशुराम केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे और भीष्म मां गंगा के पुत्र थे, इसलिए उन्होंने भीष्म को संपूर्ण विद्या में पारंगत किया। एक बार परशुराम का अपने ही शिष्य भीष्म से भी युद्ध हुआ था, लेकिन इसमें कोई भी परास्त नहीं हो सका था। यह युद्ध काशी की राजकुमारी अंबा को न्याय दिलवाने के लिए लड़ा गया था। चूंकि परशुराम स्वयं भगवान थे तथा भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था, इसलिए अंत में देवताओं के द्वारा दोनों के बीच युद्ध को समाप्त करवाया गया था। गुरु द्रोणाचार्य स्वयं पांडवों तथा कौरवों को अस्त्र शस्त्र की विद्या प्रदान करने वाले गुरु थे। गुरु द्रोणाचार्य की शिक्षा भी भगवान परशुराम के द्वारा हुई थी। उन्होंने ही गुरु द्रोण को संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों को चलाने वाले मंत्रों का ज्ञान दिया था। इसके पश्चात ही गुरु द्रोणाचार्य ने पांचों पांडवों तथा 100 कौरवों को शिक्षा प्रदान की थी। स्वयं गुरु द्रोणाचार्य का भी कुरुक्षेत्र की भूमि में वध करना असंभव था। इसके लिए श्री कृष्ण ने छल से उनके पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु का षड्यंत्र रचा। इस योजना के तहत युद्ध में यह बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन युधिष्ठिर झूठ बोलने को तैयार नहीं थे। तब अवंती राज के अश्वत्थामा नामक हाथी का भीम द्वारा वध कर दिया गया। इसके बाद युद्ध में यह बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया। जब गुरु द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से अश्वत्थामा के मारे जाने की सत्यता जानना चाही, तो उन्होंने जवाब दिया, अश्वत्थामा मारा गया, परंतु हाथी। श्री कृष्ण ने उसी समय शंखनाद किया, जिसके शोर के चलते गुरु द्रोणाचार्य आखिरी शब्द परंतु हाथी नहीं सुन पाए और उन्होंने समझा, मेरा पुत्र मारा गया। यह सुनकर उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और युद्ध भूमि में आंखें बंद कर शोक में डूब गए। और उसी के पश्चात गुरु द्रोणाचार्य का वध हो सका था। यही मौका था जबकि द्रोणाचार्य को निहत्था जानकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका सिर काट डाला।
यह युद्ध की सबसे भयंकर घटना थी। कर्ण, कर्ण कुंती का पुत्र और एक क्षत्रिय था, लेकिन विपरीत परिस्थितियों के कारण कुंती ने जन्म के समय ही उसका त्याग कर दिया था। इस कारण उसका पालन पोषण एक सूत के घर हुआ था। कर्ण के अंदर भी अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त करके विश्व का महान योद्धा बनने की चाह थी। इसके लिए उसने कई गुरुओं से याचना की, लेकिन सूत पुत्र होने के कारण उसे नकार दिया गया। अंत में वह भगवान परशुराम के पास गया तथा असत्य कहा कि वह एक ब्राह्मण है। कर्ण ने ब्राह्मण वेशभूषा धारण की तथा भगवान परशुराम से शिक्षा प्राप्त की। एक दिन जब भगवान परशुराम को कर्ण के क्षत्रिय होने का ज्ञान हुआ, क्रोधित परशुराम ने कर्ण को उसी समय शाप दिया कि तुमने मुझसे जो भी विद्या सीखी है वह झूठ बोलकर सीखी है, इसलिए जब भी तुम्हें इस विद्या की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी तभी तुम इसे भूल जाओगे, कोई भी दिव्यास्त्र का उपयोग नहीं कर पाओगे। इसके अलावा भगवान परशुराम जी ने कर्ण को विजय धनुष दिया था। यही श्राप महाभारत के युद्ध में उसकी मृत्यु का कारण बना था। जब उनके रथ का पहिया जमीन में धस जाता है और वे अपना विजय धनुष रथ में ही रख देते हैं, तब वे पहिया को निकालने के लिए रथ से नीचे उतरते हैं, जब अर्जुन ने निहत्थे कर्ण पर दिव्यास्त्र का प्रयोग कर देते हैं।